आवाज टीवी जे प्रोग्राम दी एज विथ मोहसिन बबर में अवां के भलीकार बल्ले जो निशान हींअर इस्लामाबाद जे सुप्रीम कोर्ट में मुझे किस्मत जो फैसलो थियणो आहे पीटीआई जी ऐं पीटीआई जे लाइ बल्ले जो निशान मिलंदो या न मिलंदो उहो अञा ताईं हिन वक़्त ताईं बि राति जा ही पहर आहे ऐं सॼे मुल्क जूं नज़रूं सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ते आहिनि जंहिंमें पीटीआई खे बल्ले जो निशान मिलंदो या न मिलंदो। ॿिन्ही सूरतनि में ज़ाहिर ॿिन्ही फ़ैसलनि जा ॿिन्ही सूरतनि में इम्प्लीकेशन्स आहिनि ऐं उन जो पाकिस्तान जी चूंडनि जो जेको चुरपुर आहे जेका सरगर्मी आहे जेको फ़ैसिलो आहे ऐं उन जी जेको नतीजो आहे उन खे तइ कंदो इहो फ़ैसिलो ऐं मुमकिन बि आहे त जेका हुकूमत साज़ी थींदी उन में इन फ़ैसिले जो वॾो असरु हुजे। पी टी आई केतिरियूं सीटूं खणे थी बल्ले जे निशान सां, केतिरियूं सीटूं खणे थी बल्ले जे निशान खां सवाइ, इहो हिकिड़ो अहिड़ो मामिलो आहे जेको रहियल हींअर सुप्रीम कोर्ट में ऐं सुप्रीम कोर्ट में इहो फ़ैसिलो हले वियो। इलेक्शन कमीशन इन आसिरे ते 7 बजे ताईं टाइम जमा करायो हो पॉलिटिकल पार्टीज़ जे उन्हनि नुमाइंदनि खे जिन पंहिंजा टिकट्स जेके आहिनि उहे जमा कराया हुआ। 7 जो टाइम वधायो 8 ताईं, 8 खां पोइ उनखे 9:30 कयो वियो ऐं हींअर 10:15 जे क़रीब टाइम थियो आहे ऐं हाणे उहो टाइम 11 बजे जो करे छॾियो आहे। तंहिंजे करे फ़िलहालु हीउ मामिलो अञा अॻिते हलंदो, हिते ॾिसूं था छा फ़ैसिलो अचे थो। पर मूंखे लाइन ते जॉइन कयो आहे लाहौर मां इमदाद सुमरो साहब, सीनियर साफ़ी आहिनि। इमदाद, ही हाणे जेको कलाक कलाक ऐं 15-15 मिंट जो मामिलो आहे, छा तव्हां सम्झो था सबब थी सघनि था इन डिले जा? ॾिसो, हिकिड़ो त काफ़ी तफ़सीली मोहसिन साहब अॼु रही आहे समाप्त 9 कलाक, उन खां पोइ कल्ह बि तक़रीबन सॼो ॾींहुं समाप्त रही। उन में आर्ग्यूमेंट्स हुया, दलील हुया, इंतिहाई अहम मामिलो आहे, को नंढो मामिलो कोन्हे। हिकिड़ी पोलिटिकल पार्टीअ जो निशान जेको आहे उहो इलेक्शन जे कुझु ॾींहनि पहिरीं उन खां वापसि वठण जो सुधार आहे। उन में जेको पोलिटिकल पार्टी आहे उन जा वकील जेके आहिनि उन्हनि जेतोणीक जेके खामियूं उन्हनि जी चूंडुनि में उन्हनि खां थियूं आहिनि उनजो एतिराफ़ बि कयो आहे, पर उहो हाणे सुप्रीम कोर्ट खे फ़ैसिलो करणु ऐं उन में रीज़निंग ॾियणु ऐं ॿाहिरि जेके टे जज साहिब आहिनि उन्हनि जा पंहिंजा नोट्स हिक ॿिए सां शेयर कनि, उन में उन्हनि खे मुंहिंजो ख़्याल आहे वक़्तु पियो लॻे। पर जेतिरो वक़्तु उन्हनि खे पियो लॻे ओतिरो पाकिस्तान में क़ौम ख़ासि तौर ते जेके माण्हू ज़ाहिर सॼी क़ौम जी नज़रूं हिन फ़ैसिले ते आहिनि, इन फ़ैसिले सां ई चूंडुनि जो मुस्तक़बिल जो जेको आहे उहो जुड़ियल आहे मुस्तक़बिल, त पाकिस्तान में सुभाणे कहिड़ो सेटअप ईंदो, इलेक्शन में कहिड़ियूं जमातूं हूंदियूं, केरु खटींदो, ज़ाहिर इहो सॼो उन ते मुनहसिर आहे। सो हिकिड़ो आसाब शिकन जेको इंतज़ार आहे जेको असां बि कयूं पिया, क़ौम बि करे पई, छाकाणि त पहिरियों ॿुधायो वियो हो त 9:30 बजे फ़ैसिलो ईंदो, हाणे अञा ताईं जेको आहे उहो 9:15 खां वधीक टाइम थी वियो आहे, बल्कि 10:20 थी विया आहिनि, त हिन वक़्तु ताईं उहो फ़ैसिलो जेको आहे न आहे आयो। इलेक्शन कमीशन सभिनी खां वधीक मुंतज़िर आहे उन फ़ैसिले जो। इलेक्शन कमीशन पहिरीं 2 कलाक वधायो जेको पंहिंजो टाइम हुयो, 5 खां 7 करे छॾियो, 7 खां 9 करे छॾियो, हाणे जेको आहे 10:30 थियो, वरी 11 बजे ताईं इलेक्शन कमीशन बि जेको कागज़ात ते पंहिंजो निशान अलाट करण जो टाइम जेको आहे उन में इज़ाफ़ो कयो आहे। सो हिकिड़ो वॾो अहम मामिलो आहे जेको सुप्रीम कोर्ट जे जजनि जे साम्हूं आहे। हिकिड़ी पोलिटिकल पार्टी उनखे अदालती फ़ैसिले जे ज़रिए, ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन त पंहिंजो फ़ैसिलो ॾेई छॾियो, पर हाणे जेकॾहिं उनते अदालत पंहिंजो फ़ैसिले जो मोहर हणे थी त उनजा कॉन्सिक्वेंसिस छा थींदा सियासत ते, उहो बि ज़ाहिर अदालत जी नज़र में हूंदो। उनजे करे हिकिड़ो बज़ाति ख़ुदि जज साहिबान लाइ बि इहो हिकिड़ो उन्हनि जे साम्हूं बि सुवाल हूंदो त उन जे जेके सियासी मुज़मरात असरात आहिनि उन्हनि खे बि सुभाणे फेस करणो आहे। सो उनजे करे थोरो वक़्तु मुंहिंजो ख़्याल आहे लॻे पियो, फ़ैसिलो ज़ाहिर जज साहिब जेको मुख़्तसिरी लिखंदा, फ़िलहालु मुख़्तसिर अनाउंस कंदा, त उहो फ़ैसिलो कहिड़ो हूंदो हाणे कुझु चई नथो सघिजे। घणो इम्कान त इहो आहे त जेको इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो आहे उहो बरक़रार रहंदो, छाकाणि तहरीक इंसाफ़ इहो तस्लीम कयो कोन थी आहे, पर उन्हनि एतिराज़ सिर्फ़ु इहो कयो आहे त इलेक्शन कमीशन खे इहो अख़्तियार न हो त उहा उन्हनि खां भले जो निशान वापसि वठे या उनजी चूंड खे कलदम करार ॾे। सो ॾिसो हाणे छा थो अचे सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो, पर सॼी सियासत जो मुस्तक़बिल हिन फ़ैसिले सां जुड़ियल आहे। इमदाद, चवनि पिया त बल्लेबाज़ जो निशान जेको आहे असां उन ते बि, असांजो प्लान बि इहो आहे त बल्लेबाज़ जे निशान ते असां बि अची वेंदासीं, त बल्लो हुजे या बल्लेबाज़ हुजे, बैट्समैन हुजे। सो इहो छा इहो मुमकिन आहे त इहो अहिड़े क़िस्म जो को फ़ैसिलो अचे जंहिंमें को रस्तो कढी ॾिनो वञे या जीअं जीअं पोलिटिकल पार्टी पी टी आई पंहिंजे इलेक्शन में हिसो वठी सघे?
न गाल रस्ते करण जी कोने असल मसलो यो है तो पॉलिटिकल पार्टी जी चूंड कोने उनके निशान लायक ना छू ये उनके एकड़ो दंड होंद है उनके जुर्मानो जो हों वो सजा होंगी है इनकी हाँ इन वक्त जो पा गाल गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जी आजाद हैसियत में जो निशान वठण शुरू कर छ्या कंखे रैकेट मिलो है कंखे विकेट मिली है कंखे प्यालो मिलो है सो आजाद हैसियत में मेंबर वक्त गुजर पे वे तो उनके कर मशरूत तौर से निशान वक्त वठण शुरू कर छ्या तो जैकड़ सुप्रीम कोर्ट बल्ले जो निशान बहाल रखे थी तो उन सूरत में उनके वापस बलो मिली वो पर हाँ हि जो मामलो अवे बल्ले बाज वो बैट्समैन वो ऐसो तहरीक इंसाफ इन वक्त वकील के हथ में हैरान आया इन वकील के इहा खबर को पॉलिटिकल पार्टी जो मेंबर जै पे फॉरम में लिखो है तो वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म तक आम चूं में हिस्सों वन चाहे तो कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली सीट से वो वही बी पार्टी तहरीक इंसाफ नजरियाती जो टिकट या सर्टिफिकेट किए जमा कराए निशान वी सके तो यो तो अजीबो गरीब किस्म जो खलंडरोपण जी अस पान चवे यो पे दिखारे वे कें किस्म की प्लैनिंग को हाँ ये प्लैन बी चे पे तो प्लैन बी यो है मुझे ख्याल आ पीटीआई जो वकील है दायरा कानूनदान कानून उनके असि खबर होंगी पर इलेक्शन के मामले में अब ऐसो पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ब पॉलिटिकल पार्टियों रजिस्टर्ड हैं एकड़ी वट निशान है तीर जो एकड़ी वट है तलवार जो हाँ पीपुल्स पार्टी है वह पार्लियामेंटेरियन के निशान से चूंड विड़ी है पर उन भी अरेंजमेंट लीगल अरेंजमेंट खे पो वो है इलेक्शन अलायंस जो इंतखाबी इतिहाद जो इन बिन्ही पार्टियों आसिफ जरदारी जो नाले से रजिस्टर है बिलावल भुट्टो जरदारी के नाले से प्यू पुट जो पार्टियों हैं पर उन बावजूद कानून जो पेट भरण ला इलेक्शन कमीशन जो कागज कागजी पूरा करण ला उन में इतिहाद जानायल है वो डिक्लेरेशन जो है वो इलेक्शन का पे हर दफे वो जमा है इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन इतिहाद है पीपुल्स पार्टी जो मेंबर हैं वो पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के निशान से चूंड विड़ा उन बिलावल भुट्टो जो फॉरम हुए तो उनमें भी यो लिखो है पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो उम्मीदवार है तो आसिफ जरदारी जो फॉरम हुए तो उनमें भी यो लिखल है खुर्शीद शाह जो हो कें भी हो सो हाँ एडी वही फास्ट किस्म की गलती करण तो भाई तुम वो जो तुम डिक्लेरेशन है तुम इतिहाद है जो तुम चो पा तो तुम्हारो मुहिदो थी वो है पीटीआई नजरियाती से तो उनको जो तुम मुहिदो आ वो इलेक्शन कमीशन में चाहे इलेक्शन शेड्यूल का अग में जमा कराया हो ये तो कौन थी रातों रात तक ख्याल अची वे हाँ तलानी पार्टी के प्लेटफॉर्म से चूंड में तक इजाजत मिली दारा ये नी सो ये वही ब्लेंडर कर तरीके इंसाफ जी दाना चाणा अफलातून जे पान के पान का कंखे मुझे गलत चाणो को समझन सो उन एडा वा ब्लेंडर्स क्या ये सब इवन चूंडन जो ब्लेंडर जो हाँ मनी चुका है उन्होंने चूंडू जो जबते मुताबिक ना जो पर इमदाद जो काफ़ी सेशन हलिया डिलिब्रेशन हलियों सुप्रीम कोर्ट जो केस के हवाले से उनमें रिमार्क्स में जहर जो कानूनी नुक्ता पेश किया वकीलन तरफा भी या जो पीटीआई जो वकील पेश न कर सकया असाजे जो जजिस हुआ उन्होंने तरफा जो नुक्ता खया वह उनमें तो नजर अचे पो तो यो पैं बैट जो निशान मतलब न मिली सके यो फैसलो बरकरार रहे बिल्कुल घना इम्कान तो नाकन तहरीक इंसाफ के वकील हैं चाहे वो बैरिस्टर अली जफर हुजन चाहे हामिद खान साहब हुजन चाहे बैरिस्टर गौर साहब उनो केस जो डिफेंड न कर सकया इलेक्शन कमीशन जो केस स्ट्रांग है जो असल बुनियादी शह है गोसिन साहब वह यह है तो जो पीपुल्स पार्टी है पीपुल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून या बू पोलिटिकल पार्टीज उन अंदर भी जो चूंडू थियन थी उसे कोई जमहूरी जो क्राइटेरिया है मयार है उनसे पूरा नू लहन हुए पर उन्होंने आइन में जो इलेक्शन कमीशन में सबमिट कराया है पे पार्टी स्ट्रक्चर के हवाले से उनमें उन्होंने जाना है लिखो है तो भाई हि तरीको है असि चूंड करण जो असो पार्टी सरबरा इन फोरम से चूंडबो उनका पार्टी सरबरा जो नामजद कह बाकी अहदेदार जो इन वक्तो उहदो तहरीक इंसाफ जो इलेक्टेड जाना लाए अहदेदार जो है पार्टी सरबराह का भी एक सतह तीन हर अहदे से चूंड थी चूंड सीक्रेट बैलेट जरिए थी प्रॉपर इलेक्शन कमीशन ठहो वो इलेक्शन कमीशन किए ठो वो भी बुधा वो है पर जो है वो खुफिया वारदात जी चाहिए पिशावर के भरसा कें गोठ में वही
सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो ऑर्डर है उनके ओबे करण लाइ उन्होंने इलेक्शन जो है रचाओ ढोंग रचाओ सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में दिनों उनका सर्टिफिकेट के सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स घुरा गया भाई केतर का मानून कागज जमा कराया केतर वापस वरता उनका सवा वोटर फेहरिस्तू तमा करा न करोक उम्मीदवार उनके दिनों उनका सवा वो तो भाई हर उम्मीदवार का 50,000 रुपया फीस वरती वही उनसे भी सवाल थो तो 50,000 जो फीस वरती है वही गया है उनको को रसीद तो उनकी का रसीद को कैश वरता गया हुआ सो कें भी किस्म की का शो सिंपल डॉक्यूमेंट बिन दिन का जज साहब जो उसे तहरीक इंसाफ के वकील से सिर्फ ये चवंदा रहा है डॉक्यूमेंट्स असेंगे कागज इलेक्शन किए थो है अस साबित किया इलेक्शन किए थो है किड़ो को डॉक्यूमेंट दिखारो को दिखारे उन्होंने सो लगे यो पो तो तहरीक इंसाफ जो भले के निशान के मामले से इलेक्शन कमीशन जो केस स्ट्रॉन्ग है तहरीक इंसाफ वे डिफेंड में कुछ को उनके कर ही अज उन प्लैन बी से गया सुप्रीम कोर्ट का फैसलो को दिनों अगवाड प्लैन बी से हलया गया हाँ उन्होंने मांग के चवण शुरू कर छो है तो जो निशान मिले तो वो वो तो जो घट में घट इलेक्शन में तो हो सो तहरीक इंसाफ के पंजो भी अंदाजो है उन्होंने जो केस कमजोर है उनके कर प्लैन बी का हाँ प्लैन सी से हलया गया है तो इमदाद ये जो इनो मकसद यो तो भले जो निशान मिसाल तौर पा वूँ फैसलो जो अचो है सुप्रीम कोर्ट जो भले जो निशान नो मिले भले बाज जो निशान भी नो मिले उन अलावा ही मामलो जो है वो भी असर नजर को अचे तो प्लैन सी यो है तेन इलेक्शन विड़ो इन हवाले से उन्होंने लिस्ट भी जो जारी कई है टिकटू जारी कर पीटीआई सजे मुल्क में टिकट्स जारी क्यों उन्होंने नाला इशू कर छाया तो यो हाँ इन तरीके से ही इलेक्शन में वा तुम समझो था बिल्कुल इन तरीके से उनके वनो पवो जो भले जो निशान नो मिले तो अगो मरल मुरीर न्याजी वागू एक बो दरिया इन सामू है वो है तो केर तहरीक इंसाफ जो असल उम्मीदवार हों जो तहरीक इंसाफ जो नायब सदर है सीनियर नायब सदर शेख अफजल मरवत उन अज ट्वीट किया है तो इमरान खान साहब मुलाकात थी है इमरान खान साहब है तो जी उम्मीदवार अनाउंस किया गया उ उम्मीदवार ना मुतनाज़ उम्मीदवार हैं सो नई लिस्ट जारी थी सो हाँ यो एक नो मरल तहरीक इंसाफ लाइ जो है इम्तिहान जो वो यो हों तो उजे वोटर के जो ओरिजिनल उम्मीदवार हों उन उम्मीदवार के साबित कर तो यो असल उम्मीदवार है चार चार पं पं दह मू कागजात नामजदगी जमा कराया कुछ तो वापस वी वा पर कुछ जे तगड़ा उम्मीदवार हैं जे समझन था तो उ खटे सनता जे पैसों रोक लगा लगे सनता लगा पोजिशन में आज सियासी कदकाट वारा खानदान जे उन्हें तो कनते उ बी रहा कागजात वापस न वा सो यो नो इम्तिहान हों जद हर उम्मीदवार के अलग अलग निशान मिले तो कंखे घड़ी थी मिले कंखे प्यालो तो मिले कंखे चाय की पिटली थी मिले कंखे जो है वो डांत गाड़ी थी मिले जो भी निशान थी जी उन्होंने मिलता तो उन सूरत में कें भी एक तक से तहरीक इंसाफ जो एक उम्मीदवार न हों चार चार पं पं उम्मीदवार होंद उम्मीदवार पार्टी वोट तकसीम कोट बिल्कुल तकसीम वो नुकसान थी सके तो पीटीआई का नाजरन वठूं था ब्रेक ब्रेक हम पोन वधिक गाल बोल कंदासे साइन प्रोग्राम में नाजरन वेलकम बैक सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई जे निशान अलॉट करण वारो मामलो हियर तई पेंडिंग आहे ऐं इंतजार कयो पियो वञे तो फैसलो अचे त जी इन हवाले सां मुल्क की जो चूंडन वाली सूरत हाल है उनते गैर यकीन वाली सूरत हाल अगत वे फिलहाल तई जो असो डिस्कशन हल पो वो जो रिमार्क्स दिना वाया जो बिन दिन की हेयरिंग्स थी वन सुप्रीम कोर्ट में उन हवाले से इमदाद सुमर साहब अस मौजूद है उन्होंने बुधा तो ये जो उन तरफा वो डॉक्यूमेंटेशन ही पूरी न कई वही वो सब वो फेल थी वह उन वकील जो कामयाब न रहा जजिस के कन्विंस करण में वो सजे मुल्क दिठो सजी दुनिया दिठो तो कि उन्होंने कन्विंस न किया तेरे मोस्ट लाइकली जो फैसलो है सुप्रीम कोर्ट जो वो अच्छा है वो उनमें उनते असा गालायोसी पे इमदाद सा तो बल्ले जो निशान मिलने न मिलने की सूरत में या शय कड़े पासे बीहंदी इनमें बे पास अचू था इमदाद हि फैसलो असो अचे तो पर समझो तो हि पी एम एल एन वा इंतजार हो इंतजार पीटीआई के आ सजे मुल्क के आ
पीएमएलएन जो जो इंतजार हो वो उन्हें जो टिकट्स जो पैंजो इशू हो इस्तकाम पार्टी सा मसलो हो पर एक बेई नई डेवलपमेंट थी तो पीएमएल क्यू जो है उन जो का पहरी गालियों कई हुई पान में पीएमएल नून पीएमएल क्यू वो उन्हें ऐलान किया अस हाँ इन गड को बीहंदी नून से इलेक्शन से पान वी तो समझो था पीएमएलएन जो है अधिक दुखियन जो शिकार थी वही है पंजाब में हुई मुझे ख्याल है पीएमएलएन दुखियन में उनके जी कमिटमेंट्स ताजन से हुए उनके पूरी करनी हुई आईपीपी से घने भाने कमिटमेंट उनकी पूरी थी पर मुस्लिम लीग कायदे आजम छाकड़ी फैमिली से बदल जमात है उनका उम्मीदवार फैमिली के अंदर ही सो उनके जी सीटू मिली पीएमएलएन तरफा आज कई वही ब कौमी जो हुई चार सूबाई जो तो उन्ला उनके बारे में न हुई छाकड़ कौमी असेंबली जहा फैमिली अंदर जो उम्मीदवार को चार खन है ये सूबा असेंबली उम्मीदवार भी सवाया है सो उन तो घर में नफे पची वो उन सीट एडजस्टमेंट जो करो फैसलो है वो वापस वरतो इंडिपेंडेंटली पता जमात उनकी इलेक्शन ऐलान किया सो हाँ अच्छा बे पास आईपीपी से जाहिर है कमिटमेंट थी है वह घरे भागे पूरी कई गई है पर मुस्लिम लीग में जो आखिरी वक्त में पे इतिहादन से रवैयो रखो यानी बार्गेनिंग पोजिशन सफा टाइट रखी पी उन्हें शर्तू मंजराने की कोशिश की उनके पोया भी ये जो डेवलपमेंट थे पी ऑनगोइंग है इनके फैसलो जो भी अचे तो वो भी मुस्लिम लीग नून के मद्देनजर हो तो जर पीटीआई के बैट जो निशान न मिलो तो उन सूरत में जाहिर है वो फायदो मुस्लिम लीग नून के पीटीआई जो वोट तकसीम एक चार चार उम्मीदवार होंगे तो उन सूरत में मुस्लिम लीग नून कंफर्टेबली हुकूमत ठाण जितनी मेजोरिटी चाहे पंजाब हो चाहे कौमी असेंबली में मरकज में हुकूमत हो बिन्हीं में पो मुस्लिम लीग नून समझे पे तो वह एतरी मेजोरिटी उनके मिली वी जो बगैर के इतिहादी के बगैर के बेसाखी के वह अपनी हुकूमत ठा सकन था उनके करे भी इन सारी डेवलपमेंट्स जी जाहिर पीटीआई जो जो इंट्रा पार्टी चूंड है वह नजर आई पे तो वो बोगस किस्म जो तरीको हो वो अदालतों में जो वो उनके इलेक्शन अपहोल्ड नो या इलेक्शन की तस्लीम न खी अदालतों सो उनके करे मुस्लिम लीग नून जो है वह पे इतिहादन से उन जो शर्तन से एडजस्टमेंट कई है मुस्लिम लीग नून के अंदाजो है तो पीटीआई चूंड में जो बतौर जमात एक निशान से बैठ के निशान से नहीं दी तो हुकूमत पी छा दिंदा उनके कर घो कखड़ो ना करो कराची में उन्होंने एमक्यूएम से घड़ी गाल कई एमक्यूएम मुस्तफा कमाल के 242 से टिकट दिनी अनाउंस किया शहबाज शरीफ पा कागज इंस्टॉल कर वरता उनके लगे तो सुबह एमक्यूएम की जरूरत को पवी उनके एमक्यूएम से अगत मामला ओड़े तरीके से हलया ही को इवन अव डी डी ए मामला दिसो उ भी खबरों तो घड़ी आई पर अजा तई जो कंक्रीट सॉलिड किस्म की को एग्रीमेंट या को इतिहाद अव नजर को अचे बलूचिस्तान में हाँ दिसो बीएपी से मामला तय क्या वह हुआ पर उनमें भी का उनकी शक्ल अजा तड़ी सामू को आई सिवाय आईपीपी के सो यहा सूरत है मुस्लिम लीग नून की जो इतिहाद से मामला है उनके पोया भी ये डेवलपमेंट है जो थी है जो इमदाद अज शाहिद खाकान अब्बासी साहब पीएमएलएन के अगुआन उन्होंने वही स्टेटमेंट डिनी है उन पीएमएलएन धाड़े जरिए हुकूमत में अच्छा चाहे थी धाड़ो हणी हुकूमत में हुकूमत कंदी तो यो मसल हाँ तय थी चुको है तो पीएमएलएन के ही फेडरल गवर्नमेंट में विहारो वो उन शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो चवण है उन हिसाब से तो यो बैकडोर के जरिए पीएमएलएन हुकूमत ठाने चाहे थी बिल्कुल शाहिद खाकान अब्बासी जो मुस्लिम लीग नून जो मुखालिफ है चाहे वह पीटीआई हो चाहे पीपुल्स पार्टी हो चार हथ अगते वही मुस्लिम लीग नून मत इल्जाम है वो पान के मुस्लिम लीग नून जो हिस्सों भी समझन था समझन था तो चवन था मुस्लिम लीग नून के सामू चून में न विढ़ा पर उन्होंने जो गाल कही है वह मुस्लिम लीग नून के हवाले से इतना संगीन है तो मुस्लिम लीग नून जो है वह पीटीआई तीन चोरी करें ये धाड़ो हणी इलेक्शन में अच्छा चाहन था सो जाहिर है योड़ो है तासर तो मुस्लिम लीग नून जो चूंड रिग्ड करे या इंजीनियर्ड किस्म की चूंड के जरिए हुकूमत में अच्छा चाहे थी शायद खाकान अब्बासी जो मतलब यो है पर जो ग्राउंड से शहताब वह भी इन पास इशारा करे पी तो तहरीक इंसाफ जो न होंगी चूंड में जो उनमें गुजारिश कई पीपुल्स पार्टी पंजाब में तहरीक इंसाफ के न होने के फायदे से पीपुल्स पार्टी पंजाब से पंजाब में बेहतर पोजिशन में इंदी काफी सारी सीटू जो खड़ी सके थी पीपुल्स पार्टी
टीह चालीह ताईं बि वञी सघे थी जेकॾहिं तहरीक इंसाफ़ ईअं तितर बितर हूंदी, पर जेको बहितर पोज़ीशन हूंदी उहा मुस्लिम लीग नून जी हूंदी। सो ज़ाहिर आहे उहो सॼे उन पासे ई इशारा जेके आहिनि उहो शायदि ख़ाकान पासी ॾियनि पिया, जेका डेवलपमेंट्स थियनि थियूं उन्हनि जो मतिलबु इहो ई आहे त मुस्लिम लीग नून खे आणण लाइ ई सॼो माहौल ठाहियो पियो वञे, त जीअं मुस्लिम लीग नून जे साम्हूं को मुक़ाबले में केरु न हुजे। ढाव हणण जो मतिलबु त ज़ाहिर आहे इहो ई थो थिए। वॾी महिरबानी इमदाद, तव्हां असांखे एनालिसिस ॾिनो लाहौर मां, त हींअर इन फ़ैसिले जे हवाले सां जंहिंजो असांखे सभिनी खे इंतज़ारु आहे, सॼे मुल्क खे, सॼे क़ौम खे इंतज़ारु आहे, सभिनीनि पोलिटिकल पार्टीज़ खे इंतज़ारु आहे, ऐं इलेक्शन कमीशन जो सॼो अमलो, सॼो सेटअप, सॼो सिस्टम जेको आहे उन फ़ैसिले जे अनुसार में आहे, त जीअं फ़ैसिलो सुप्रीम कोर्ट अचे ऐं उहो पोइ फ़ैसिलो इशू करे सघनि। मूंखे हाणे लाइन ते जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद मां क़ुर्बान बलोच साहबु, आवाज़ टीवी जा ब्यूरो चीफ़ आहिनि, उन्हनि खां थोरो अपडेट वठूं था। क़ुर्बान, छा आहे इस्लामाबाद में सूरत हाल हिन वक़्तु? फ़ैसिले जो इंतज़ारु थिए पियो इन्हनि सर्द रातियुनि में, तमामु ई फ़ैसिलो जेको आहे माण्हुनि खे पंहिंजे घरनि में टीवी चैनल्स ते ऐं जेके रिपोर्टर्स आहिनि उहे मौजूदु आहिनि हींअर सुप्रीम कोर्ट जे ॿाहिरां ऐं इंतज़ारु पिया कनि त छा फ़ैसिलो अचे थो। जी बिल्कुलु, जेका मीडिया आहे उहा मौजूदु आहे, जेके कवर कनि था उन्हनि जी बीट आहे उहे मौजूदु आहिनि। अदालत साढे नवे लॻे जो टाइम मुक़रर कयो हो, ऐलान थींदो साढे नवे लॻे फ़ैसिलो ॾिनो वेंदो। अञा ताईं अदालत माना कटकुनि में अदालत रूम में न आई आहे, जजिस खे हुनजो इस्ताफ़ बि अञा न आया आहियो, जेतोणीक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पारां जेके बि चूंड जेके निशान हालात करण वारो अमल आहे उन में वाजे बि वञे तक़रीबन चार भेरा वाद थी चुकी आहे। शाम जो चार वॻे जो टाइम मुक़ररु हो, उन में वाद करे सत वॻा कयो वियो, पोइ साढा नव वॻा, साढा ॾह वॻा, हाणे यारहं वॻे जो टाइम आहे। त जेके बि उमेदवार जेके चूंड निशान पार्टियूं उनखे जारी कंदियूं उनखे जमो कराइणा पवंदा आहिनि, जीअं उन्हनि खे गॾियल चूंड निशान हालात थी सघे। इन हवाले सां माना इहो टाइम तव्हां कयो पियो वञे। पर हिकिड़ो ॿियो जेको अमल थियो आहे उहो इहो थियो आहे त तहरीक इंसाफ़ जी इहा दावा हुई त जेकॾहिं उन्हनि माना मुतबादिल तौर बंदोबस्त कयो त जेकॾहिं पार्टी खे भेट जो निशान हालात नथो थिए त उन तहरीक इंसाफ़ नज़रियाती नाले हिकु जमात सां हिकिड़ो मुआदो कयो हो, जेका पाण जेका तहरीक इंसाफ़ मां हिकु धड़ो अलॻि थियो, हिकु जमात ठही। पर अहिम उहा जमात सरबराह बि उन खां फिली वियो आहे, हुननि चवण आहे तहरीक इंसाफ़ त अहिड़ो को मुआदो न थियो आहे, त जेकॾहिं तहरीक इंसाफ़ खे भेट जो निशान न आहे ॾिनो या हुनजी चूंड अमल खे तस्लीम न आहे कयो सुप्रीम कोर्ट में, त उनजा जेके उमेदवार उहो तहरीक इंसाफ़ नज़रियाती जे प्लेटफॉर्म ते या हुनजे चूंड निशान त चूंड वेंदा, त हाणे ई तहरीक इंसाफ़ नज़रियाती उन खे मञण लाइ तयारु कोन्हे, ऐं तहरीक इंसाफ़ जा जेके अॻवान उहो इंतज़ाम कनि तहरीक इंसाफ़ नज़रियाती तय थियल एग्रीमेंट खां पुॼी वई आहे। यकीनी तौर ते सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो ई फाइनल फ़ैसिलो आहे, जंहिंजो इंतज़ार पाकिस्तान ऐं सियासी जमातूं ख़ासि करे तहरीक इंसाफ़ जी मुस्तक़बिल जेका सियासी आहे उहा इन फ़ैसिले सां लाॻा पियल आहे। उन जा वकील अदालत में मौजूदु कमीशन पाकिस्तान जो वकील हुते मौजूदु आहे, अकबर बाबर जेको गुजराती मेंबर आहे तहरीक इंसाफ़ जो उहो ऐं उन जा वकील सुप्रीम कोर्ट में मौजूदु हुई जेके फ़ैसिले जे इंतज़ार में आहिनि। जी क़ुर्बान, असां सां गॾु लाइन ते रहिजो, मूंखे जॉइन कयो आहे सीनियर साहिबु रज़ा खट्टी साहिबु, उन्हनि सां ॻाल्हायूं था। खट्टी साहिबु, हीउ एॾो कॉम्प्लिकेटेड फ़ैसिलो आहे, छा एतिरो ॾुखियो फ़ैसिलो आहे सुप्रीम कोर्ट लाइ करणु जंहिंमें एॾी देरि थिए पई ऐं इन में तमामु टेक्निकल डिस्कशन थिया, लीगल डिस्कशन थिया, पी टी आई जा वकील उहो शयूं पेश न करे सघिया जिन जो आर्गूमेंट हुननि करिणो, सॼी दुनिया ॾिठो ज़ाहिर आहे, त इहो पोइ जेकॾहिं पी टी आई जा वकील इन खे पेश न करे सघिया त इहो फ़ैसिले में त ॾुखियाई न थियणु घुरिजे हा, या एॾी देरि न थियणु घुरिजे हा। जी रज़ाक, न मौसम साहब वॾी महिरबानी, असल में अॼोकी जेका हीअ तवील हेयरिंग हुई ऐं तक़रीबन मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे त हेसि ताईं 12-14 कलाक थी चुका आहिनि। हाणे सॼी सूरत हाल जा टे चार पहलू आहिनि। हिकिड़ो त इहो पहलू आहे त असां वटि सियासी जमातनि जे अंदरि जेको कल्चर आहे इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो, उहो त हमेशह हज़म थींदो रहियो आहे इलेक्शन कमीशन खे
समूरा कागज सबमिट कराए था शरीन ने कबूल थीता वन मामलो हले तो पर उन्होंने की यह गाल याद रखन घुर्जे जैसे फाइलन जो पेट कानूनी तरीके से नथा भरीन तो उनके नतीजे में अज जै सूरत में तहरीक इंसाफ गुजरी आए वो बी पार्टी गुजरी सकन थी। तहरीक इंसाफ के यो जोम हो तो जीम कंदी रही है यानी फॉरेन फंडिंग वो केस हो या उनका अलावा बया जे मामला थियन था उनमें सब शूं उनके माजी में हजम थी रही हाँ जैसे हि जहाँ सूरत पैदा थी है तक याद हों इंट्रा पार्टी इलेक्शन थी भी हुई असल में बुनियादी तौर पर वो खुद भी वो मजाक हो इन सेंस में तो 11 वगे तीन पोलिंग हुई वही अनाउंसमेंट भी थी वही होंदो तो यह है इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस सियासी पार्टी अनाउंस कन्दून नॉमिनेशन फॉर्म भरबा उनकी स्क्रूटनी थी है पूरा जो मरलो है वो थी पर जी अर्ज किया तो पाकिस्तान में इन किस्म जो कहीं कल्चर रो को हाँ जैसे इन किस्म की सूरत पैदा थी यो मामलो सुप्रीम कोर्ट में वो है तो उन सागी चीफ जस्टिस का पीटीआई के की या उम्मीद करण घुर्जे तो जैसे चीफ जस्टिस के पैंजी घरबारी समेत FBR में गेलो सुप्रीम कोर्ट में गेलो है अज हु उन मा की इजाफी जो है सो फेवर वठण जी हु उम्मीद रखी सके थी पर रजाक साहब जी रजाक पर इन में केडी मल भी काजी फैज साहब यो तासुर ना है दिनो तो उनन सा या जाहिर है एकड़ो इंसान जी पेंजी फितरत भी हुंदी है उन के केडी तकलीफ दिनी वही केडो ट्रायल कयो वो उने जो पर काजी फैज साहब इन सजी हेयरिंग से दौरान केडी मल भी यो तासुर न दिनो तो मुसा जाती थी आई शायद बायस थी वने पेंजन फैसलन में यो बस न डठो थी तासुर दियण की जरूरत तद पेश अचे जैसे तहरीक इंसाफ वट पेश कर कुछ हो तब समझो था अस समझो था मुख्य याद है जैसे ये तहरीक इंसाफ इलेक्शन थे मुख्य उन में इन गाल जी पक हुई जेकर यो मामलो के कोर्ट के अंदर वो इलेक्शन कमीशन के वकील स्टैंड वरतो तो ये मामलो जो पास पास बी गाल जो उनको निशान जो मसलो है वो निशान जो मसलो जो तहरीक इंसाफ नजरियाती हुए तो मुख्य बुधा तो उनके तो 5 मिनट लगना अगत पोते कर में सो उनको तो चेयरमैन जो है वो अगत पोते तो एक गाल तक नोट करण घुर्जे तो जैसे तहरीक इंसाफ जो निशान बहाल थी तो वे तो मुख्य लगे तो मुल्क में इलेक्शन ना जैसे तहरीक इंसाफ के निशान नो मिले जो इन वक्त तीन सूरत अड़ी नजर भी अचे थी इलेक्शन में उनके ये निशान को मिलो तो समझण घुर्जे इलेक्शन था ही सारी गेम्स घुमे तहरीक इंसाफ ए उनके चेयरमैन के चौगर थी इन के ही जो इलेक्शन तक अगे भी गुजरे प्रोग्राम में भी अर्ज किया तो पीटीआई जैसे इलेक्शन में उनका जे मेंबर कामयाब थी उनको रोल को एडो वो स्ट्रांग अपोजिशन जो न हों फ्रेंडली अपोजिशन होंगी राजा रियाज टाइप अपोजिशन होंगी या सिलेक्टेड अपोजिशन होंगी सो ही जेका प्रैक्टिस थे पी या डेमोक्रेसी जी न पी थे हाँ उनमें जाहिर है कुछ शहर के लोग भी जालिम सन कुछ सानू मरण का शौक भी सी सो तहरीक इंसाफ जो कुछ कयो हो अज जाहिर है उनके उन जो पोखो हो उनको वो फसल उनके लुणो भी पवे सो इन सारी सूरत के अंदर एक गाल ठीक है इंतकामी कार्रवाई थे पी पर हुन पाण भी का भी अड़ी तैयारी न कई हुई जो उनके वो फेस कर सके सुप्रीम कोर्ट के सवाल रजाक मा यो मा कुर्बान ना विंदु सिंह कुर्बान खां मैं पुछंदा जी कुर्बान ही जो इन जो सजो जोर पीटीआई जो मैं यो पेरी में गाल कर चुको आया या अस एनालिस्ट से गाल थी रही है तो उन्हें जो जोर बजाय पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ठाण जे पॉलिटिकल अलायंस ठाण जे पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करण जे उन्हें जो सजो फोकस पीटीआई जो हलो वो वही सागी प्रोपेगेंडा मशीनरी के पैं यूज करूँ ऊंधा सेंधा कम क्यों उन्होंने अची सोशल मीडिया से उनके प्रोपेगेट क्यों तो तुम समझो था यो या इन स्ट्रैटेजी हुई है उन्होंने सजो फोकस एक पास कर छो वरी इन सजे पॉलिटिकल अरिना में अकेला रही समझा तो तहरीक इंसाफ की हिकमत मिली मौजूद है उनके तनाजुर में समझा तो समझा तो तहरीक इंसाफ इन पॉलिसी में इन सोच में कामयाब वही है हिंसर तेरे मुल्क में सियासी तौर से चूंड के हवा से जैसे मन लाइन कटो
तो समूरी सियासी जमातू तेरे लाइन में नजर इंदू अपोजिशन में तिर्फ तहरीक इंसाफ जो मतलब तस्वर नजर मींदो इो ही सबब है सवेर जो सवाल किया फैसले में देर छो पी थे तो तक जुमलो एक रिमार्क्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फायज ईसा जो याद दियारा जो अज कई समात में होंगी तो बाबा जना एक तरफ चूंडू थी तो मतलब चूंडन के अमल में जैसे अपोजिशन ना है तो मतलब उनकी साख जो सवाल पैदा थो उन्हें जे तराजू में उन यह भी गाल कई तो बस तहरीक इंसाफ की चूंडन में जैसे सागो अमल न थो तो उन्होंने चूंडन की वेटेज कड़ो रो बाकी जैसे तहो सवाल है तो मुझे ख्याल में तहरीक इंसाफ जिकमत अमली जब जारी रखी उन्हें में तहरीक इंसाफ न सिर्फ पंजे वोटर वटे जो भी नरम कोशो रखड़ उनो वोटर है उनको जो पोए लग है उनके इंटेक्ट रख में कामयाब थी है इो मैसेज दियण में कामयाब थी है तो मुल्क में चूंड जो अमल जो भी वे पो ज तहरीक इंसाफ के हाँ बेट जो निशान मिले तो नो मिले डिपेंड ऑन सुप्रीम कोर्ट पर तहरीक इंसाफ इन सजी दुखियान वे मरहले के बावजूद एक पोलिटिकल पार्टी तौर सस्टेन रही है इो मैसेज कन्वे कर में कामयाब रही है तो पैरल कुतू हलन थी चूंड में जैमें पीटीआई है अदर सारी समूरी जमातून जे धुर पाते है रजाक खान साग सवाल रजाक तुम समझो तो पीटीआई पैं हिकमत अमल में कामयाब रही है मसलो कामयाब रहन कुर्बान जो ख्याल है तो कामयाब रही है वोट बैंक को इंटैक्ट करे वी पर जो फैसलो तो इलेक्शन जो चूंडू कंदी उन नतीजा कह चार चार पंज पंज उम्मीदवार पीटीआई जै बिठल तो वो इन जो इंटैक्ट वोट उन पंजाब में या पाकिस्तान के बेन इलाक में वो उनमें केतरो उनके कैपिटलाइज कर सकता जो ख्याल यो है एस्टेब्लिशमेंट जो एजेंडा है वह शायद अना कंटिन्यू थे पी इन कर तहरीक इंसाफ में बटे दड़ा थी वह एक गाल बी गाल तो उनकी जो मेन कयादत है यानी शाह महमूद कुरैशी है परवेज इलाही है खुद इमरान खान है या बिहार जो मानू रुपोश हाँ उनकी रुपोशी के नतीजे में जो टिकेटन की विरासत थी है उनमें घना हार्ड लाइनर उन्होंने टिकेट न मिलिया घना मानू रुपोश सो ही याद हों जनरल ज़िया के दौर में जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से सूरताल थी जाहिर है वो जबर हो ज़ियाउलहक के दौर जो उन दौर के अंदर पाकिस्तान में जेका प्रिंट मीडिया हुई उनते वही जबरदस्त किस्म की शदीद किस्म की सेंसरशिप हुई इन वक्त घट में घट अस जो कुछ है पा एक जो है सो गाल लाइव गाल उनके बावजूद पीटीआई वट सोशल मीडिया जा टूल आन उनके उन वोटर के इंटैक्ट रख पर गाल लीडरशिप किथे भी ना है हाँ अज जडे ही हली पे तहरीक इंसाफ हेरिंग हली पे तहरीक इंसाफ जो चेयरमैन है उनके घर से जो पुलिस हमलो किया सूरताल पैदा थी तो उनकी गाल तो साबित थी तो वो फौरी तौर से अध मुनो कलाक घट में घट हवास में न हो यह उनकी कामयाब स्ट्रेटजी हुई मुझे ख्याल है तो वोटर तमाम घड़ो जो है सो खौफ में आए लीडरशिप खौफ में आए पार्टी टूटी चुकी है सो उनके संभाले न सकिया पा सब समझू था तो संभाल उनके इन हालत में तमाम घड़ो दुख्य है छाण त पीपुल्स पार्टी एमआरडी जो तजर्बा हुआ उनमें एस्टेब्लिशमेंट घो कुछ सबक हासिल किया मियाँ नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो की जो गाल कई उनमें जो उन तोड़ फोड़ कई कोशिश कई जैमें वो कामयाब न थी सकी हाँ ये सब शूं मिलाए बू ही जो सियासी जमातू आन पी डी एम के अम्ब्रेला हेठन उ सब उनसा गड एक ही एजेंडा थे तो जाहिर है पीटीआई केतरी भी ताकतवर हो टुटण हो इन कर उनको पैरों टेनर हो उनके नतीजे में इमरान खान मासिस में न वो सजो मामलो उनको सोशल मीडिया से उनके हवाले हो उनके नतीजे पा दिसूँ था पर एक गाल ती जहन में रखन घुर्ज तो पाकिस्तान के अंदर जो कुल पॉपुलेशन है उनकी 80% जो आबादी है उन मोबाइल फोन ती उनकी एक्सेस है पर इंटरनेट से सिर्फ 35% एक्सेस है और उनमें केतरा मानो ट्विटर यूज था कन केतरा फेसबुक है
केतिरो यूट्यूब आहे त इहो हिकिड़ो मखसूस हल्को आहे, ज़ाहिर आहे जेके हुनखे फॉलो कनि था उन्हनि जे लाइ त इहा वॾी ॻाल्हि आहे, पर तव्हांखे नंढे शहर में या ॿियनि अहिड़नि इलाइक़नि में हलाए वञो, उन्हनि खे हिन मामले जी का घणी ख़बर न आहे। ऐं हिन जे करे मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इमरान ख़ान खां उन्हनि ते घणो असरअंदाज़ कोन थियो आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त पाकिस्तान जे अंदरि हिकिड़ी ॿी ख़तरनाक क़िस्म जी राय ठही आहे, उहा इहा आहे त असां हाणे वोट हुनखे ॾियूं जेको ज़ाया न थिए। सो मुस्लिम लीग नून बि जेको आहे सो सूमर खां जेका कंपेन शुरू कंदी ऐं उनमें बि इन क़िस्म जो ई तासुर वेंदो। सो जॾहिं इस्टेब्लिशमेंट समूरियूं हुनजूं इमरान मुखालिफ़ सियासी जमातूं सभई हिकु पेज ते हुजनि त इमरान ख़ान जी पॉपुलरिटी पंहिंजी जाइ ते, पर हू छा थो करे सघे। इन करे त हुनखे मुंहिंजा हथ ॿधल आहिनि ऐं हुनखे चवनि था त बाबा तोखे खूह जे अंदरि वटायूं था ऐं तुंहिंजा कपिड़ा बि जेके आहिनि उहे बि न पुसनि। सो मुमकिन न आहे। मां कुर्बानी तरफ़ अचां थो। पहिरीं ॻाल्हि त या तव्हांखे रज़ा खट्टी साहिब खे कुर्बान खे ॿुधाईंदो आहे न त सुप्रीम कोर्ट टाइम 11:30 इहो फ़ैसिलो जो टाइम वधाए छॾियो, इलेक्शन कमीशन 11:30 करे छॾियो, त अधु कलाकु अञा टाइम वधी वियो आहे। त लॻे थो इहो फ़ैसिलो वॾो इंतिहाई कोई ॾुखियो थी पियो आहे जजिस लाइ करणु, ऐं पॉसिबिलिटी आहे त जजिस वटि इहो डिवाइडिड ओपिनियन अचे जेकॾहिं एॾी देरि थी आहे ऐं हुनखे ड्राफ्ट करण में एॾी ॾुखियाई थी पई। जेको फ़ैसिलो हुननि ठाहियो आहे उहो मेजॉरिटी फ़ैसिलो आहे या मुतफ़क़ फ़ैसिलो आहे, ख़बर पवंदी। क़ुर्बान इन में अॻिते हलूं था, फ़िलहाल त हाणे हीउ मामिलो अॻिते हलियो वियो आहे 11:30 ताईं, पर मूंखे ॿुधाइजो त जेका रज़ाक तमामु तमामु सुठो आर्गूमेंट ॾिनो आहे त इहो सभु कुझु सोशल मीडिया जी नज़र न आहे, पर कुझु माण्हुनि जो ख़राबु अॼु बि मां बि हैदराबाद टंडो लहर में माण्हुनि सां मिलियसि पिए, आम माण्हुनि सां कुझु पढ़ियल लिखियल सां माण्हुनि सां मिलियसि पिए, उन्हनि जो बि इहो ख़्यालु हो त जेकर बैट जो निशान मिले थो त शायदि चूंडूं मुलतवी थी वेंदियूं। पर चूंडनि जी जेका पॉलिटिक्स हूंदी आहे ऐं चूंडनि जो जेको कमु हूंदो आहे उहो बिल्कुलु हिकिड़ी मुख़्तलिफ़ स्ट्रैटजी आहे। त छा PTI जा जेके बि उमेदवार आहिनि, मूं सिंध जी लिस्ट ॾिठी, भई सभु नवां उमेदवार आहिनि, तक़रीबन नवां उमेदवार आहिनि, तव्हां सम्झो था उहे चूंडनि जी जेका पॉलिटिक्स आहे इलेक्शन जे ॾींहं जी, उनखां पहिरीं जी इलेक्शन जे ॾींहं जी, उन्हनि खे मैनेज करे सघंदा भले केॾा बि पॉपुलर छो न हुजनि। मां सम्झां थो त रज़ाक साहबु इन जो इतराफ़ कयो त PTI सां जेको कुझु थिए पियो, माना पाकिस्तान शुरूआती शहीद भुट्टे खां वठी जेका सियासी जमातनि सां वक़्तु ब वक़्तु थींदी रही आहे। पर तव्हांखे हिकिड़ो यादि रखणु घुरिजे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां जेकॾहिं ताक़तवर मुक़दर हलकनि जो जॾहिं मुहादो अटकियो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहिड़े पोज़ीशन ते बीठी, उन खां पोइ मुस्लिम लीग नून शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी जमात तव्हांखे बिल्कुलु पीपल्स पार्टी पेट्रियाट, ऐं उन खां पोइ मियां नवाज़ शरीफ जी जमात मुशरफ दौर में, उन जे बावजूद ही हाणे जेको ही आहे PTI जी सूरत हाल, 16 महीना शहबाज शरीफ जी हुकूमत ऐं उन खां पोइ निगरान हुकूमत, जेको बि तसलसल हिकिड़ो हलियो उन जे बावजूद तव्हां इन खां छिकिजो पिया त तव्हां हिकिड़ी जमात खे भेट ॾियण खां माना टिजो पिया। ऐं मां सम्झां थो त सुप्रीम कोर्ट जो ही फ़ैसिलो ॿिन्ही सूरत में जेकॾहिं PTI खे भेट जो निशान मिले थो नथो मिले, ईंदड़ चूंडुनि जी साख ते उन जी क्रेडिबिलिटी ते वॾो असरअंदाज़ थींदो। ठीकु साईं, क़ुर्बान तव्हांजी क़ुर्बान तव्हांजी महिरबानी। तव्हां चओ था त इहो फ़ैसिलो क्रेडिबिलिटी ते असर कंदो, पर जेको बि फ़ैसिलो अचे ॾिसूं था हाणे अॼु राति में इहो फ़ैसिलो ईंदो। रज़ाक साहब तव्हांजी महिरबानी, क़ुर्बान असांखे जॉइन कयो इस्लामाबाद मां, तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन हिन वक़्तु इहो ई फ़ैसिलो जो इंतज़ारु असां कयूं पिया, वरी हिन मामले ते पाण नेक्स्ट प्रोग्राम में आवाज़ TV जी नशरियात जारी रहंदी ऐं तव्हांखे असां अपडेट रखंदासीं। मोहसिन बबर खे इजाज़त ॾींदा, सदाई गॾु।